أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصلاة بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء إن أصداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أمدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبدعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة غلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عديهم نتبر إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في موكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وورد في زيارة أربعين وبدل فيك مهجته ليستنقذ عبادك عن الجهالة وحيرة الضلال صلوات بجيب محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی اربعین حسینی کے سلسلے کی یہ مجلس عزا ہے اہل حرم بہت کچھ لوٹا کے اسلام کو بچا کے کربلا میں وارد ہو چکے ہیں اور آج کی تاریخ کربلا سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہی ہے. کل رات کی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل مقصد اس اربعین کے استقبال کو سمجھنا ہے کہ اربعین کے
इस इस्तकबाल के पीछे राज क्या है और क्यों हमें ज़्यादा से ज़्यादा अरबईन का इस्तकबाल करना चाहिए और जितनी तादाद में इजाफा हो उतना ज़्यादा अरबईन की अजमत में चार चांद लगता रहेगा। अरबईन हुसैनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की के मकसद की कामयाबी के ऐलान का दिन है जब नरगए आदा से सानिया जहरा इस्लाम को बचा के ले आए, जब नरगए आदा से इंसानियत को बचा के ले आए, दुश्मन के दरमियान से अपनी हकीकत को जो बचा के वापस आ जाए वो इस्तकबाल के लायक होता है। दुश्मन की साजिशों को जो नाकाम करके अपने मकसद को दुनिया में आम कर दे वो इस्तकबाल के लायक होता है। मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था इसे मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया है, यानी सती फिक्र रखने वालों से लेकर आली तरीन फिक्र रखने वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का मकसद बयान किया है, लेकिन किसी का भी बयान मोतबर नहीं है कि क़याम का मकसद क्या था। किसी का भी मकसद बयान करदा मकसद कामिल नहीं है। एक जिहत से मुमकिन है कि कामिल हो, एक जिहत से और दसियों जिहत से वो नाकिस है। जो सती तरीन मकसद बयान किया गया वो वही है जो आम तौर पर आप सुनते रहते हैं कि दो बादशाहों की जंग थी, और दो बादशाहों की जंग थी, एक जीता एक हारा। ये सती तरीन बयान है और नाकिस तरीन बयान है, लेकिन एक जिहत से इसमें जो अच्छाई है वो ये है कि ये जंग तो थी और जंग में कामयाबी भी मिली, लेकिन कहने वाले ने जिसको कामयाबी अता करनी चाहिए उसको कामयाबी नहीं मिली। इस जंग में जो कामयाबी मिली है वो असलहों को कामयाबी नहीं मिली है। इस जंग में जो कामयाबी मिली है वो अफवाज को कामयाबी नहीं मिली है। इस जंग में जो कामयाबी मिली है लश्कर को कामयाबी नहीं मिली है। इस जंग में जो कामयाबी मिली है वो खाते पीते लोगों को कामयाबी नहीं मिली है। इस जंग में जो कामयाबी मिली है गला काटने वालों को कामयाबी नहीं मिली है। इस जंग में जो कामयाबी मिली है वो अकदार को कामयाबी मिली है। इस जंग में जो कामयाबी मिली है वो उसूल को कामयाबी मिली है। इस जंग में जो कामयाबी मिली है वो इंसानियत की अखलाकियत के कमाल को कामयाबी मिली है। क्यों? इसलिए कि ये जंग इमाम हुसैन ने सजाई ही नहीं थी असलहों के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजाई थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जंग है और मौका फराहम किया है यजीद ने, बैत मांग के यजीद ने मौका फराहम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये क़याम करने वाले थे, करना था इमाम हुसैन को क़याम, इसलिए कि उसूली तौर पर यजीद था बागी, इमाम हुसैन थे हाकिम,
हुआ क्या है करबला में आप ये समझिए, और क्या बचा के लाई है ये कल रात भी मैंने आपके सामने अर्ज किया और आज भी इस हकीकत को समझिए। हम और आप सुलह हसन के फलसफे को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसकी गहराई में हम नहीं उतरे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के अंदर जो बुनियादी पहलू है उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौका इनायत किया है कयाम का। इसीलिए जो लोग मुहक्किक हैं वो ये कहा करते हैं कि करबला हसनीयुल हुदूस है, हुसैनीयुल बका है। करबला की बुनियादों में हसन मुजतबा का खून जिगर है, हुसैन इब्ने अली ने उस बुनियाद पर करबला का महल सजाया है और उस बुनियाद का नाम है सुलह की एक शर्त। और उन शरायत में से एक शर्त यह थी कि अगर माविया पहले दुनिया से चला जाता है, अपनी जगह पर जहां से जाना है, तो हसन मुजतबा हाकिम बनेंगे, और अगर हसन मुजतबा पहले दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और उसके बाद माविया अपने मकसद तक पहुंचता है जहां उसे जाना है चला जाता है, तो हुसैन हाकिम होंगे, हुसैन के हाथ में हुकूमत आएगी। भाई यही जो शर्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रखी, इसी देखिए हमेशा अपने एतिकाद की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमारा अकीदा क्या है ये हर एक नहीं मानेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे अकीदे के मुताबिक मंसूस मिन अल्लाह है, इमाम वक्त है, सब कुछ उनका हक है, बकिया सब कासिम है, ये सब अकीदा है। लेकिन करबला कभी भी एक के अकीदे पर चलने वाली नहीं है। करबला उस मरकज का नाम है कि जिसकी बुनियाद पर हर एक कानूनी लिहाज से भी देखे तो हुसैन की हक्कानियत को साबित करेगा, यजीद के बातिल होने को साबित करेगा। कानून अकीदे से हट जाइए, शिया अकीदे से हट जाइए, एक आम एतकाद रखिए, एक आम गुफ्तगू कीजिए। तमाम दुनिया का ये मुत्तफक अलैह फैसला है कि बागी वाजिबुल कत्ल है, जो हुकूमत के खिलाफ कयाम करे वो वाजिबुल कत्ल है। ये दुनिया का भी इंटरनेशनल कानून है और ये दीन इस्लाम का भी कानून है। इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम ने जो ये शर्त रखी कि मेरे बाद माविया के दुनिया से जाने के बाद अगर हुसैन जिंदा रहे तो हुसैन हाकिम बनेंगे, इसका मतलब यह है कि अगर मुआविया यजीद को हाकिम बनाता है अपने बाद के लिए तो यजीद हो जाएगा बागी, हुसैन हो जाएंगे हाकिम। इस्लामी कानून भी है, इंटरनेशनल कानून भी है कि बागी के खिलाफ कयाम करो। अब हुसैन जब कयाम करेंगे तो एक हाकिम है इस्लामी एक बागी के खिलाफ कयाम कर रहा है। एक सलावत भेजिए बरमान मना इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इमाम हुसैन ने जो मदीने से खुरूज किया उस खुरूज में एक हाकिम इस्लामी एक बागी के खिलाफ कयाम कर रहा था। और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले तो ये जो बागी के खिलाफ कयाम किया था ये बागी क्या बर्बाद कर रहा था ये देखना होगा कि ये बागी किन चीजों से लड़ रहा था। अगर बात असलहे के से जंग की होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक जुल्फिकार काफी थी। अगर बात असलहों की और ताकत से लड़ने की होती तो एक सरकारे बावफा काफी थे।
ऐसे ऐसे जियाले थे जो लश्करों पर भारी थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असलहे की ताकतों को क्यों कमजोर बनाया? ताकत रहते हुए इमाम ने ताकत को क्यों दबाया? इसलिए कि असलहों की जंग करनी ही नहीं थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किरदार की जंग करनी थी, किरदार के नमूने सजाने थे। यजीद का किरदार क्या था? याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपने बड़ी दीवार की हिफाजत नहीं की, अब बड़ी दीवार, मजबूत दीवार टूट गई तो कमजोर दीवार को तोड़ने में कोई वक्त नहीं लगता है। या मैं मान के चलिए आलम इस्लाम की मजबूत तरीन दीवार का नाम था हुसैन इब्ने अली, उससे मजबूत कोई दीवार नहीं थी आलम इस्लाम के पास। और इस मजबूत दीवार ने यजीदी सैलाब और यजीदी बगावत से मुकाबला किया था और कह दिया था कि यजीद शारिब खमर है, यजीद बदकार है। अगर उम्मत मुसलमान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दे दिया होता और इस दीवार की पुष्ट पनाही की होती तो फिर गद्दी पर यजीद नहीं दिखाई देता, फिर इब्ने ज़ियाद नहीं दिखाई देता, फिर यह दीवार और मजबूत हो जाती। लेकिन यह दीवार टूटती रही, लोग कहते रहे जरूरत क्या है उस दबंग से मुकाबले की। नतीजा क्या हुआ? मदीना ताराज होकर जब अहले अरब आए, दीवार टूट गई, मजबूत दीवार टूट गई। अब बागी को जुरत मिली। क्या जुरत मिली? मदीने से हंजला गसीलुल मलाइका के बेटे अमर गए रिपोर्ट लाने के लिए कि यजीद कैसा है, तब तो क्याम करेंगे। देखिए पानी खौलता है कितनी डिग्री पर? जी 100 डिग्री पर। मान लीजिए मेरी बात तो अच्छे रहिएगा कि पानी 100 डिग्री पर खौलता है, और अगर आपको तहकीक का शौक हो गया तो, रिसर्च का शौक हो गया तो देखिए मौलाना सही कह रहे हैं या नहीं। पानी हो सकता है 80 डिग्री पर खौल जाए, हो सकता है 90 डिग्री पर, हो सकता है 101 डिग्री पर। तो आपकी तहकीक करने से पानी कोई 101 डिग्री पर खोलेगा? खोलेगा कुछ नहीं होगा, पानी वही 100 डिग्री पर खोलेगा। फकत फर्क क्या होगा? अगर बात हमने जो कही आपने, आपका वक्त बचेगा, आप बर्बाद होने से बचाइएगा, आपकी लाइफ का क्रीम टाइम, बेहतरीन वक्त महफूज रह जाएगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा? वक्त बर्बाद होगा, आपकी उम्र का एक कीमती हिस्सा बर्बाद होगा और नतीजा कुछ नहीं होगा। बस यही हुआ करबला में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते रहे इस यजीदियत के सैलाब को रोको, ये किसी का नहीं है। अगर इस सैलाब में हुसैन को किसी ने कत्ल कर दिया तो फिर किसी की बेटी नहीं बचेगी, फिर किसी की मां नहीं बचेगी, फिर किसी की बहन नहीं बचेगी। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है यजीद से मुकाबला करने की, आप अपना काम कीजिए, दीन देखिए, उसको हुकूमत करने दीजिए। किसी ने इमाम हुसैन की बात नहीं मानी, वही 70-72 जो लोग थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब अमर इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका गए हैं शाम, वहां से रिपोर्ट लेके आए तो क्या कहा? वही जो हुसैन पहले बता चुके थे, यजीद यनकहुल बनात, यजीद यनकहुल उम्महात, यजीद यनकहुल अखवात। ये बहनों से बदकारी करता है, ये माओ से बदकारी करता है, ये बेटियों से बदकारी करता है। सोचो जिसके घर में उसकी माँ बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी, वो मिल्लत मुसलमा की बेटियों को क्या छोड़ेगा? सलावात भेजिए पर मुहम्मद वाले मुहम्मद। अब आपने सोचा वाकई हर्रा हो गया, हसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं बोले, मदीना छोड़ के बाहर क्यों चले गए?
एक गांव एक देहात में रहने के लिए वाकई हर्रा में हुआ क्या? सहाबा की 900 कुंवारी लड़कियां, सहाबा की 900 कुंवारी लड़कियां मां बनी हैं। इसी को समझा रहे थे इमाम हुसैन कि हुसैन एक मजबूत दीवार है आलम इस्लाम की। अगर माँ की इज्जत को बचाना है यजीद को रोको, अगर बेटियों की इज्जत को बचाना है यजीद को रोको, अगर बहनों की इज्जत को बचाना है यजीद को रोको। जब नहीं रोका तो नतीजा ये हुआ कि यजीद ने औरतों के साथ बदकारी की, सहाबा की औरतों से बदकारी की। इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन जैसी मजबूत दीवार को अगर गिरने दोगे तो फिर किसी की दीवार नहीं बचेगी। नहीं बची किसी की दीवार। और इसी को हुसैन उस वक्त कह रहे थे कि यजीद लानतुल्लाह है, तो सब रजी अल्लाह कह रहे थे। और जब कुंवारी और लड़कियां मां बनी तब सबको समझ में आया कि यजीद लानतुल्लाह है। अगर जिस वक्त हुसैन ने कहा था ये लानतुल्लाह है, उस वक्त सबने समझ लिया होता कि ये लानतुल्लाह है, तो ये नौबत ना आती। तो अब करबला में उस अकदार से इस अकदार की जंग थी जहां बेटियों का वकार नहीं था, जहाँ बहनों का वकार नहीं था, जहाँ माओं का वकार नहीं था, जहाँ बेटी का बीवी का वकार नहीं था, वहाँ हुसैन ने करबला सजाई। माँ बेटी का किरदार क्या होता है, ये हुसैन ने एक किरदार पेश किया। बाप बेटे का किरदार होता है, हुसैन ने इसे करबला में सजाया। चचा भतीजे का किरदार क्या होता है, हुसैन ने इसको सजाया। मामू भांजे का किरदार क्या होता है, इसको हुसैन ने सजाया। हर एक किरदार हुसैन सजाते रहे और ये भी कह दिया मैं नहीं लिखूंगा, दुश्मन का नामा निगार लिखेगा कि मामू भांजे कैसे होते हैं ओनो मोहम्मद और हुसैन बताएंगे, चचा भतीजी कैसी होती है अब्बास और सगीना बताएगी, भाई बहन कैसे होते हैं हुसैन और ना बताएंगे। ये करबला में हुसैन जंग लड़ रहे थे, असलहों की जंग नहीं थी, अकदार की जंग थी। तो पहला नजरिया भी बातिल है, दूसरा नजरिया इमाम हुसैन शहादत के लिए निकले थे। निकले ही थे इसलिए कि मर जाए, शहीद होने के लिए निकले थे। ये फलसफा भी नाकिस है, शहादत मरने का नाम नहीं है कि जहां चाह निकल गए शहीद हो गए, ये नजरिया गलत है, ये नजरिया नाकिस है। इमाम हुसैन शहादत के लिए नहीं निकले थे इसलिए कि मर जाना शहादत नहीं है, मकसद को कामयाब करके अपना खून देना शहादत है। खून बहे और गलियों में बिखरने लगे इसका नाम शहादत नहीं है, खून बहे और गलियों की जीनत बन जाए ये मोहब्बत नहीं है, खून बहे तो जम जाए इसका नाम शहादत है। बल्कि और बाज खून होते हैं जो बहते हैं तो बिखर जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। बास खून होते हैं जो बहते हैं तो जम जाते हैं, इसका भी किसी हद तक असर होता है। लेकिन बास खून वो होते हैं जब बहते हैं तो वो रगों में दौड़ने लगते हैं। हुसैन का जो खून है न बर्बाद हुआ न जमा, बहा हुसैन की रगों से आलम इस्लाम में खून की तरह दौड़ने लगा। सलावा
अगर मरना शहादत का नाम होता तो सबसे पहले हसन मुज्तबा अपने आप को कत्ल कर लेते, इसलिए कि मकसद के लिए कभी जीना मौत से ज्यादा संगीन होता है। हसन मुज्तबा ने जिंदगी जो गुजारी है वो मौत से कठिन जिंदगी थी, लेकिन जिए नहीं मरे। बस हो ये वाला मकसद भी गलत है कि हुसैन शहादत के लिए निकले थे, नाकिस है। तीसरा नजरिया कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए निकले थे, ये नजरिया भी नाकिस है। इसमें नतीजा मकसद और नतीजे मकसद के दरमियान खल्त है, मकसद और नतीजे मकसद में खल्त हो गया है। इसी तरीके से शहादत में भी यही हुआ, शहादत मकसद नहीं है, शहादत नतीजे मकसद है। हुकूमत मकसद नहीं था, हुकूमत मकसद का नतीजा होता है। हुकूमत के लिए निकलने की एक हद होती है, हुकूमत के लिए निकलने के लिए एक हद होती है। जब तक पब्लिक आपका साथ दे रही है आप निकलिए, जय जय जब तक पब्लिक कर रही है आपकी जो चाहिए कि जो हुकूमत करते रहिए, और जहां पब्लिक आप पर टूट पड़े तो फिर आप सड़क पर दिखाई देगा, फिर आप कहीं और होइएगा। तो हुकूमत के लिए एक हद है। कोई भी मकसद जो बयान किया गया है वो कामिल नहीं है, एक जिहत से सही है दसियों जिहत से गलत है। मकसद वही है जो इमाम हुसैन ने अपने लिए बयान किया, और मकसद वही है जो ज़ियारत अरबईन में बयान हुआ, यही यकानगत है। करबला का मकसद कोई नहीं बयान कर सकता, क़याम इमाम हुसैन का मकसद कोई नहीं बयान कर सकता, या हुसैन खुद अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी दीगर शख्सियात जो ज़ियारतों में मिलेगा। लिहाजा इमाम हुसैन ने खुद बयान किया क्या, खरज तो लितलब इस्लाह। इमाम हुसैन इस्लाह के लिए नहीं निकले थे बल्कि इस्लाह के तालिब थे। ज़ियारत अरबईन में क्या कहा, चौंक दिया अपना खून लियस्तन कैजा। इस्तिनकाज किसे कहते हैं, इस्तिनकाज कहते हैं डूबते हुए को बचाने की कोशिश करना, यह है इस्तिनकाज। जो डूब रहा है दरिया में उसके लिए आप दौड़ें, कोशिश करें कि उसको किसी तरीके से निकाल लें। अब जो आपने कोशिश की अगर उसने भी आपको हाथ दे दिया और आपके हाथ में अपना हाथ डाल दिया तब तो उसका बेड़ा पार हो गया, आपने खींच लिया साहिल पर लाके पहुंचा दिया। और अगर वो यूं हाथ बंद किए पड़ा था कहने हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे तो आप कामयाब या नाकाम, कामयाब या नाकाम, कामयाब। इसलिए कि आपने कोशिश की है कि वो बच जाए, वो खाना खराब बचना नहीं चाहता तो ये उसकी मुश्किल है, आपकी मुश्किल नहीं है। बस दोनों जगह एक मकसद है, खरज तो लितलब इस्लाह, मैं निकला हूं उम्मत मुहम्मदी की इस्लाह की ख्वाहिश लेके,
तमन्ना लेके, अब अगर हमारी इस तमन्ना को कबूल करके लोग मुझे न रोके मेरे साथ हो जाए। करबला से पहले हुआ क्या? सब रोक रहे थे इमाम हुसैन को, आप न जाइए हमारा हज खराब हो जाएगा, आपके साथ हज करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। किसी को यह समझ ही में नहीं आ रहा था कि जब रूए हज मक्का छोड़ के जा रही है तो किसको हज मिलेगा, जिधर जिधर हुसैन जाएंगे उधर ही उधर हज चलेगा। ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए रोका जा रहा था, रुक जाइए हज ना छोड़िए। हुसैन ने कहा आज हज छोड़ने ही में रूहे हज बचेगी, तो हुसैन को रोका गया। हुसैन बढ़ते रहे, मकसद की तरफ बढ़ते रहे। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को अगर न रोका गया होता और लोग पीछे पीछे हुसैन के साथ हो जाते और हुसैन की तमन्ना पूरी होती तो फिर गद्दी पर यजीद नहीं दिखाई देता, फिर गद्दी पर इब्ने ज़ियाद नहीं दिखाई देता, फिर मसनदे रसूल पर वारिस रसूल होता। जब वारिस रसूल होता तो हुकूमत हुसैन को मिलती, हुकूमत जब हुसैन को मिलती तो क्या होता, वही होता जो खुतबे फिदक में सैयदा ने कहा था और वो सारा मसला होता। तो हुकूमत नतीजा मकसद है, मकसद नहीं है। अगर लोग बात मान लेते तो हुकूमत मिलती, तब हाँ तो नहीं माना, नहीं माना तो क्या हुआ, इब्ने ज़ियाद गद्दी पर, हुसैन मक्तल में, यजीद गद्दी पर, हुसैन टुकड़े टुकड़े सरनों के नज़ा पर। तो अब कोई कहे हुसैन नाकाम, नहीं, अब भी हुसैन कामयाब है, इसलिए कि हुसैन तालिब थे, मक्तल में गए तो शहीद हो गए, मसनद पर आते तो हाकिम हो जाते, दोनों में हुसैन कामयाब है, इसलिए कि हुसैन को तमन्ना थी, इसी तमन्ना पर कामयाबी मिलती है। सलावत तो ले यस्तन कहता। अरबईन क्या कह रही है, हुसैन बचाने की तमन्ना लेके निकले थे, और जो बचाने की तमन्ना लेके निकले थे तो किस चीज में बचा रहे थे, दो चीज से बचाना था, एक जहालत से अकलानियत का सफर, दूसरे गुमराही से हिदायत का सफर। करबला आजादारी अगर अरबईन के उसूलों पर गामजन है तो आजादारी है, और अगर अरबईन के उसूलों पर गामजन नहीं है तो सब कुछ आजादारी है। दो चीज एक साथ होगी, ना फकत इल्म करबला का मकसद है, ना फकत हिदायत करबला का मकसद है, इसलिए कि इल्म बगैर जान है, हिदायत बगैर इल्म के ऐसी बुनियाद है जिसको हमेशा उखाड़ दिया जा सकता है। अब देखिए दुनिया में जितना वबाल है वो जहालत की वजह से है, दुनिया में जितनी मुसीबतें हैं वो जहालत की वजह से हैं, लोग कहते हैं ना, नहीं, दुनिया में जितना वबाल है सब इल्म की वजह से है, जितने फसाद हैं सब इल्म की वजह से हैं। ये एटम बम किसी अंगूठा छाप ने बनाया है, हाँ, ये बमबारी को या अंगूठा छाप करता है, ये इस्तिस्मारो इस्तेमारो इस्तिकबार, किसी को गधा समझना, किसी को बेवकूफ समझना, साम्राज्यत, ये सब कोई बेवकूफ करता है, बेवकूफ तो हथकंडा बनता है, खूब तो हथकंडा बनता है, जिधर देखा अली अली हो रहा उधर दौड़ गया, ये नहीं देखता है ये किस घाट से पीछे आया है पानी, हर की जबान से जहां निकला अली समझे बहुत बड़ा मौलाई है, बहुत बड़ा मौला, एक अली अली कहने वाला मौलाई नहीं होता, लफ्जों से पहचानो किस घाट का पानी पी के आया है। सलावत पर मोहम्मद आले मोहम्मद, अरे खुदा नहीं हो गया, हर एक मौलाई हो
दौड़ गए पीछे पीछे हर नारे के पीछे, हर नारे के पीछे जाहिल दौड़ता है। जो इल्म हिदायत साथ रखता है वो लफ्जों से परख लेता है कि ये कहाँ की बोली बोल रहा है, ये कहाँ की जबान बोल रहा है, ये कहाँ के अंदाज से बात कर रहा है। आप मुझे बताइए ना, मुझे बताइए आप, अभी तो हमको दुश्मन और मुखालिफ का फर्क नहीं समझ में आया है। जो हमारे खिलाफ बोल देता है हम समझते हैं वो हमारा दुश्मन है। अभी हमको हथकंडों और असली दुश्मन के दरमियान फर्क महसूस नहीं हुआ है। क्यों लाए थे इमाम हुसैन, समझिए इस हकीकत को। न फकत इल्म काफी, न फकत हिदायत काफी, जब ये दोनों चीज मिलेंगी तो अरबईन का नतीजा मिलेगा, और जब अरबईन का नतीजा मिलेगा तो दुश्मन शनासी सामने आएगी। जो तुम्हारे खिलाफ बोले वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। देखो इस मुखालिफ को उकसा कौन रहा है, देखो इधर भी कौन जेब भर रहा है, उधर भी कौन तलवार दे रहा है, ये दोनों देखना पड़ेगा कि तलवार कौन डोनेट कर रहा है, जेब कौन भर रहा है। तुम हिदायत मान के तलवार ले लोगे, वो इल्म मान के जेब भर लेगा, दोनों गलत होंगे। देखो इन दोनों को लड़ाने वाला कौन है। यही करबला से पहले होता रहा, अली मुर्तदा कत्ल हुए, इब्ने मुलजिम आ गया, आया कि नहीं आया। इब्ने मुलजिम कातिल था हजरत अली का, नहीं था, था नहीं था, नहीं था। इब्ने मुलजिम तो हथकंडा था, ऐसे कितने इब्ने मुलजिम मिल जाएंगे, आज भी मौजूद है। 10 पैसे दे दीजिए ज्यादा, देखिए आपको हम 8-10 इब्ने मुलजिम खड़ा कर देते। अली अली कहेगा इब्ने मुलजिम रहेगा, हम खड़ा कर देंगे आपके सामने। और हैं लोग ऐसे, मौला के घर में रहेगा, मौला के पानी में जहर मिलाएगा। ज्यादा बिनते अशस है कातिल, इमाम हसन की कातिला कौन है, कौन ज्यादा, बिल्कुल गलत। ज्यादा जैसे जहर में पानी में जहर मिलाने वाले वालियां कत्ती मिल जाए, पानी में जहर मिलाने में कितना वक्त लगता है। आप कितनों को कह दीजिए अपने हसीन बेटे को तुम्हारा तुमसे ब्याह देंगे, देखिए कितनी लड़कियां मिल जाएंगी। आप देखिए तो, आपके पास 1 अरब रुपया हो और थोड़ा सा हुकूमत हो, देखिए आप कितनों को जहर दिलवा सकते। कहिए कि अपने बेटे से शादी कर देंगे, देखिए कितनी लड़कियां लाइन लगा देंगी, कोई मसला ही नहीं है। ये सब तो बिकने वाले हैं, बिकने वाले, ये सब तो थाली पर के बैगन हैं। इधर दबा होगा तो इधर झुकेंगे, इधर दबा होगा तो उधर झुकेंगे। जब तक उसकी हुकूमत रहेगी दाढ़ी मुंडा लेंगे, जब किसी और की हुकूमत आएगी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, उसमें कौन सी मुश्किल है। कितना बच सकता है, 1-2 महीने में दाढ़ी निकल आती है। जब तक वो पार्टी रहेगी उसका गाना गाएंगे, ये पार्टी आ जाएगी इसका भजन बजाएंगे, उसमें क्या होता है, उससे क्या हल होगा। आप कहते रहेंगे इब्ने मुलजिम कातिल, असली कातिल छुपा रहेगा। आप कहेंगे ज्यादा कातिल, असली कातिल छुपा रहेगा। ज्यादा बलानत भेजते रहिए, इब्ने मुलजिम बलानत भेजते रहिए, असली कातिल बैठा रहेगा। ये करबला में हुआ, इमाम हुसैन का कातिल कौन ये भी बता देगा, आपका बेटा क्या बताएगा, शिमर बताओगे ना, नहीं बता देगा, इसकी तरफ से हमने बोल दिया। इमाम हुसैन का कातिल कौन, शिमर। कातिल कौन, हरमला या हरमला, ये किसको, और जितने हजरत अली अकबर का कातिल कौन, हसन इब्ने, सबको याद है। 1400 साल के बाद आपको याद है, जनाब जैनब को याद नहीं था। 1400 साल के बाद आपको शिमर है, 1400 साल के बाद हरमला या हरमला याद है,
सन 61 हिजरी में करबला से कूफा जाते वक्त नहीं यार, झूठी से झूठी तारीख बता दीजिए, झूठे से झूठे मुअर्रिख को बता दीजिए कि लिखा हो कि एक बार ज़ैनब कुबरा ने आंसू बहा के कहा हाय हाय शिमर ने हुसैन को कत्ल कर दिया, हाय हाय उर्मुला ने तीरे से शोभा चला दिया, हाय हाय हसीन इब्ने नमीर ने भाला मार दिया, एक बार कहा हो तो बता दीजिए। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब का काम था पर्दा उठाना, इसलिए कि ज़ैनब का काम था नकाब नोचना। पहचानो अरबईन की अहमियत, पहचानो ज़ैनब कुबरा के ले जाए जाने की अहमियत। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था अब क्यों ले जा रहे, अल्लाह चाहता है असीर बना दे, यही तो कहा था अल्लाह चाहता है इन्नल्लाह शा यराहुन्ना सबा, अल्लाह चाहता है इनको असीर देखे, यही तो कहा था इमाम हुसैन ने। मुराद रजा का जुमला नहीं है कि तौजीह कीजिएगा, इनको समझ में नहीं आता अल्लाह कहीं असीर देखने को, हुसैन का जुमला है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका मतलब यह है कि उस वक्त का शऊर बालिदा नहीं था कि हुसैन लेके चले हैं अली के कातिल से नकाब हटाने के लिए, हुसैन चले हैं हसन मुजतबा के कातिल से कातिल के चेहरे से नकाब हटाने। यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगर ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा न होती तो आप शिमर को कातिल मानते, आप हरमला को कातिल मानते, और वहीं करबला दर करबला मीमान दर ज़ैनब नबूद, करबला करबला में दफन। बल्कि और सख्त जुमला कहूँ आपसे, बर्दाश्त कर लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, अगर ये सैदानी न होती और लेकर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होते तो हम और आप शिमर से मजलिस पढ़वाते और कहते इससे पढ़वाओ ये बहुत अच्छे मसाइल पढ़ेगा। इसमें कहते पूरी करबला देती है और वो खूब रोता, वो खूब रोता, वो खूब आंसू बहाता और खूब लिफाफे लूट के ले जाता, इसलिए कि उसका मकसद होता रुलाना। वो लूटता भी रुलाता भी। हुसैन इब्ने अली ने कहा अल्लाह चाहता है असीर देखे, हुसैन ने एक मंजर दिखाया मर्जी माबूद का, इस असीरी के नतीजे में जो नकाब उतरने वाली थी ज़ैनब कुबरा कूफे में पहुंची, शिमर को नहीं याद किया, हरमला या हुरमुला को नहीं याद किया, हसीन इब्ने नमीर उन जैसों को नहीं याद किया। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब बताना चाह रही थी अगर इनको पकड़ा तो फिर इल्मे मुल्जिम रहेगा, फिर ज्यादा रहेगी, मुझे तो ये बताना है कि अली का कातिल कौन, मुझे तो ये बताना है हसन का कातिल कौन। ये सब हथकंडे हैं, ये सब टिश्यू पेपर हैं, जब तक इस्तेमाल के लायक होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल की तारीख खत्म होती है फेंक दिए जाएंगे। मैं कूफे जाऊंगी इब्ने सियाद का करेबाल पकड़ूंगी, शाम जाऊंगी यजीद का करेबाल पकड़ूंगी, ताकि पता चले इसका बाप मेरे भाई का कातिल, इसका बाप मेरे बाबा का कातिल, इसकी पूरी नस्ल इस्लाम की दुश्मन है। सलाम ज़ैनब कुबरा इस मकसद के तहत अब दिखा दिया चेहरा बेनकाब कर दिया, हकीकत सामने आ गई, कुछ समझ नहीं रहा था क्यों लेके आए थे। इस्तिनकाज फकत इल्म नहीं, इल्म फकत वबा ले जाते, फकत हिदायत नहीं तुमको गुमराह कर दिया जाएगा हिदायत के नाम पर। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो अरबईन का मकसद पूरा होगा और आज़ादारी का मकसद पूरा होगा। हुसैन इल्म व हिदायत बांटने के लिए आए थे और बांटा, कैसे बांटा? हुसैन निकले थे बागी से मुकाबला करने के लिए, यजीद ने क्या किया? अपने को बना लिया हाकिम,
हुसैन को बना दिया बागी। ये अलमिया है आलम इस्लाम का, जो था बागी वो हो गया अमीरुल मोमिनीन, और जो था हाकिम इस्लामी वो हो गया बागी। और इस्लाम का कानून क्या है कि बागी को कत्ल करो। करबला में कोई भी, अच्छा ये सुनिए, यजीद की तो कोई बात मानता नहीं, यजीद की कोई बात मानता, सब जानते थे यजीद को, यजीद के चेहरे में इतना पानी ही नहीं था कि कोई उसकी बात माने, उसका सारा पानी गिर चुका था, तो उसको जरूरत थी किसी आबरूमंद चेहरे की जिस पर लोग एतबार करते हों। यह हमेशा तागुती ताकतों का काम है, हुकूमतों का पुराना काम है, उनका चेहरा इस लायक नहीं होता कि वो अपने चेहरे से पब्लिक को मनवाएं। तो सबसे पहले जो चीज़ खरीदी जाती है उसका नाम है जुडिशरी, अदलिया, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट खरीदा जाता है, सबसे पहले चीफ जस्टिस खरीदा जाता है, उसके बाद ताली बजाई जाती है, जो अदालत कहेगी वो मानेंगे, जो अदालत कहेगी वो मानेंगे। और पब्लिक का अदालत पर भरोसा, बुरे से बुरा माहौल हो जाए, 30 साल तक मुकदमा लटका रहे, जाएगी अदालत में। वो समझती नहीं कि दादा मर जाएंगे फिर भी मुकदमा खत्म नहीं होगा, पोता लड़ेगा फिर भी मुकदमा खत्म नहीं होगा, इसलिए कि अदालत बिकी हुई है, पहले ही से हाकिम ने अदालत को खरीद लिया। ये कोई आज की बात नहीं है, जो अदालत कहे मानो, जो अदालत कहे मानो, ताली बजा बजा के। ये पुरानी यजीद के जमाने की सियासत है। यजीद को पहले मालूम था उसकी बात कोई नहीं मानेगा, लिहाजा चीफ जस्टिस को खरीदा शोराए की सूरत में, शोराए तुम लिखो यजीद है हाकिम, हुसैन ने हाकिम के खिलाफ किया है खुरूज, अब हाकिम के खिलाफ जो खुरूज करे वो बागी, हुसैन है बागी, हुसैन को करो कत्ल। ये है 50 साल में उम्मत मुस्लिमा का हाल। यजीद हो गया हाकिम, हुसैन हो गए बागी। कोई फर्जंदे रसूल को कत्ल करने नहीं आया था, आप ये समझ लीजिए, जो आया था, कानून में कोई बुराई नहीं होती, कानून चिपकाने वालों में बुराई होती है। किसके ऊपर कानून चिपकाया जा रहा है? गद्दार वतन का कानून कोई बुरा कानून नहीं है, लेकिन कौन गद्दार वतन है जो दूसरे को गद्दार कह रहा है, ये समझने की जरूरत है। सलावात भेजिए बर मोहम्मद, एक और सलावात भेजिए बर मोहम्मद। कुजात कह रहा भाई, चीफ जस्टिस कह रहा भाई, सुप्रीम कोर्ट का हेड कह रहा है, पढ़ा लिखा गलत थोड़ी बोलेगा। अब जो ये पिसरे साथ खड़ा हुआ था, पहला तीर चला रहा था, या खैल अल्लाह इरकबी वबिल जन्नते अबशरी, ए अल्लाह के सिपाहियो सवार हो जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तो ये नवासे रसूल को थोड़ी कत्ल कर रही थी पब्लिक, ये बागी को कत्ल कर रही थी। आप समझिए अरबईन के इस्तकबाल की अहमियत, और आप समझिए कि आलमी मीडिया अरबईन को क्यों छुपाता है। आप समझिए इसराइल को बेचैनी क्यों है, अब समझिए अमेरिका को बेचैनी क्यों है, अब समझिए सऊदी अरबिया को बेचैनी क्यों है। किसी तरीके से दबाओ, किसी तरीके से दबाओ। अरबईन नाम है ईसार का,
और सऊदी अरब में हज चलाने वाला नाम है लुटेरे का। सऊदी अरब हज में लूटता है, अरबईन में लोग लुटाते हैं। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाना से पूछिए, कई बार हज में जा चुके हैं हम, एक दो बार गए हज पर, बात पूछ लीजिएगा बाद में, अगर बात मेरी गलत है तो। जहाँ पर हम लोग, अब कहाँ रुकाया जा रहा नहीं मालूम, जहाँ रुकते थे 5 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता, नहीं 10 मिनट भी नहीं, 5-7 मिनट का रास्ता। अब वहाँ का जो किराया है वो 1 रियाल, रियाल ही चल रहा है ना, उन्होंने रियाल, 1 रियाल। अब जो टैक्सी में बैठे तो पर हेड वो ले रहा है 5 रियाल। जो जानकार लोग थे उन्होंने कहा, भैया यहाँ से यहाँ तक का किराया 1 रियाल है, ये तुम 5 रियाल क्या ले रहे हो? कहा, मुझे मालूम है 5 रियाल 1 रियाल है, पहचानिए। रो रहा है हाजियों को, साथ में कह रहा हाजियों की खिदमत है। सुनिए, ये लेटेस्ट बात है, एकदम इस साल की बात होगी ये। 100 रियाल जबकि होगा वो 10 रियाल से ज्यादा नहीं, 10 रियाल 5 रियाल से 100 रियाल। ये भैया क्यों ले रहे हो, तुमको मालूम है? अरे हमको मालूम है, साल भर इसी की कमाई से तो खाना है। पहचानिए बनी उमैया का मिजाज। मौसम हज में कमाता है, हाजी को लूट के साल भर खाने के लिए। करबला है बदला सीखा, करबला है ईसार का नाम, इराक का शिया साल भर कमाता है अरबईन में लुटाने के लिए। समझ गए, सऊदी अरब को क्यों दहशत रहती है अरबईन को छुपाओ? इसलिए कि लुटेरों का और लुटाने वालों का फर्क वाजे हो जाएगा। अपना फायदा उठाने वालों का और ईसारो जानेसारी करने वालों का फर्क पैदा हो जाएगा। इसलिए छुपाओ, इसलिए दंगा कराओ इराक में। हुआ ना दंगा, क्या कह रहा था मीडिया? इराक का हाल हो जाएगा श्रीलंका का, वहां भी प्रेसिडेंट हाउस पर हल्ला बोल के कब्जा, यहां भी कब्जा। ये क्यों दहशत, दहशत लोग ना जाए अरबईन में, मजमा कम हो, ये ऐसे हो जाए वो ऐसे हो जाए, अरबईन को छुपा दो। लेकिन अल्लाह कहता है, हम अल्लाह हैं, तुम्हारी औकात को दिखाने वाले हम हैं, हुसैन की हकानियत बताने वाले हम हैं। तुम अरबईन को छुपा रहे थे कि 2 साल के बाद कोरोना में लोग अरबईन को भूल गए हैं, अब दंगा करा देंगे तो नहीं होगा अरबईन। नहीं, तुम्हारी जबान होगी, तुम्हारा मीडिया होगा, तुम्हारा ना बिल्कुल इमाम हुसैन की तरह, जो इमाम हुसैन ने करबला में किया, करबला में रिपोर्ट लिखने वाला यजीदी हमीद इब्ने मुस्लिम या हुमैद इब्ने मुस्लिम को आप अच्छा आदमी समझते? वो शिमर के लश्कर का एक सिपाही है। हाँ? तो करबला में जितने नामा निगार थे वो सब के सब यजीदी नामा निगार। हुसैन ने करबला ऐसी सजाई थी कि नामा निगार तुम्हारा होगा, इस्लाम के अकदार को वो लिखेगा। अब आया 1400 साल के बाद अरबईन का दिन, तुम छुपाओगे अरबईन क्या है? किसी को मालूम नहीं है अरबईन क्या, हम बताएंगे, दंगा होने दो, तुम्हारी जबान से निकलेगा। अरबईन है चेहलूम का दिन, चेहलूम है जैनब के आने का दिन, हुसैन को कत्ल किया गया था यजीद ने कत्ल, यानी जितना हम बोलते वो दुश्मन का मीडिया बोलेगा, हुसैन या जिंदाबाद होगी यजीद या दुर्लाबाद होगी। सलामत नहीं।
لبیک یا حسین 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 क्योंकि हम पहली बार जैतपुर में नहीं आए हैं, पुराशरा पढ़ के जा चुके हैं। आपको मेरी बात याद रखना चाहिए। हमने कहा था इससे पहले भी, 5-2 आप बढ़ा देते तो मुश्किल हल हो जाते। हमने कहा था ये बात कि जब भी लब्बैक या हुसैन लगाना हो 7 बार लगाओ। शेख जाफर शुस्तरी कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में 7 बार आवाज़ इस्तगासा बुलंद की थी। हर लब्बैक एक इस्तगासा का जवाब होना चाहिए। आज अरबईन की मजलिस में हुसैन को इस्तकबाल करना है तो 5 इन्होंने कहा, 2 लगाइए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, सलावत मोहम्मद अली मोहम्मद। कहते हैं क्या करिश्मा किया है? बुनियादी फर्क क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं अपनी तलबगी की जबान में तमसील, मंतिक में, और दूसरे लोग इसी को कयास कहते हैं। एक इश्तराक को समझ के सारे इश्तराक पर कानून नाफिज कर देना। वहां कब्जा हुआ, यहां भी कब्जा हुआ, पर जो उसका हाल सो इसका। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक वजह इश्तराक को देख के फैसला नहीं किया जाता। श्रीलंका है टापू पर, चारों तरफ है पानी, कभी भी डूब सकता है। इराक का बेस है मरजैया, जो गैबत में इमाम ज़माना से मुत्तसिल है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यज़ीद बन गया हाकिम, हुसैन बन गए बागी। अब जरूरत थी किसी को जो हुसैन के खाने को दिखाए, यजीद के खाने को दिखाए। किसी में जुरत नहीं, किसी में ताकत नहीं। सब गुलाम गुलाम ज़ादे, सब पैसे के भूखे, ज़मीर फरोश, तन परवर, बेहिस। 700 कुर्सी नशीनों का, बाहर वालों का मजमा, वो सब ज़मीर फरोश। जो बोले उसकी ज़बान काट लो, जो बोले उसको गर्दन में हाथ डाल के नहीं। किस की हिम्मत जो इसके खाने को बताए? कोई नहीं बोल सकता। जिस ज़ैनब को हुसैन इब्ने अली लेके आए थे पसे गर्दन बंधे हुए हाथों से, ज़ैनब ने एक बार खुतबा शुरू किया और खुतबा देते देते एक बार आवाज़ दी, अमिनल अदले यबनत तो लगा, ये आज़ाद शुदा लोगों की औलाद, यानी ए यज़ीद तू बागी है, तेरा बाप बागी है, तेरा बाबा बागी है, तेरी नस्ल बागी है। हुसैन हाकिम है, हुसैन का बाप हाकिम है, रसूल हाकिम है, तू वाजिबुल कत्ल है, हुसैन नस्ली हाकिम है। सलामा मोहम्मद। अब समझे ज़ैनब क्या बचा के लाई हैं? यज़ीद जैसे बागी को भरे दरबार में बागी बना के बताया, तू बागी है, तेरी नस्ल बाकी है, तेरा बाप दादा बाकी है। हुसैन तो हाकिम है, इस्लामी नस्ल से भी हाकिम है, कानूनी लिहाज से भी हाकिम है, इसलिए डरता है दुश्मन। ये खराज लेके आई सैदानी, जो लेके आई है वो ये लेके आई, हुसैन की हक्कानियत को दुश्मन के सीने पर सब किया है। अरबईन की अजमत इसलिए। लेकिन कैसे आई है, कैसे आई है? जब मदीने से चली थी तो सब जमारियां थी, हुसैन को रुख्सत करने आए। हाँ
हुसैन की शहादत सुनने आए हो। आज जैनब जा रही हैं, जैनब को रुख्सत करने के लिए हुसैन की मुसीबत सबसे बड़ा हदिया है। दिले जैनब को सुकून मिलेगा। कैसे आई सैदानी, कैसे आई बीवी, क्या तब्दीली। ऐसी माँ तो दुनिया ने देखी नहीं जो अपने बच्चों को भूल जाए। और अपने भाई को याद रखें। आपको मालूम है ना, जब सर आए थे तो हर बीबी ने एक का सर उठाया था, लेकिन ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने हुसैन का सर उठाया था। वो लाल कपड़ा पहनने वाली औरतें जो सियाह लिबास पहन के आई थीं, उनके लिए ताज्जुब का मकाम था। ए बीबियों, क्या इन दो बच्चों की माँ मर चुकी है? इन दो बच्चों का कोई वारिस नहीं है? क्या जवाब दें? कैसे उठाऊं अपने बच्चों को? अगर अम्मा ने कल सवाल कर लिया, ज़ैनब मैं नहीं थी, मेरे हुसैन का सर उठाने वाला कोई नहीं था, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे बच्चे कुर्बान, ये जाने सारी है ज़ैनब कुबरा की। उम्मे कुलसूम, जनाब ज़ैनब कुबरा जब दफन हो चुकी सकीना, तो जनाब उम्मे कुलसूम का आंसू नहीं रुक रहा था। सुबह आ गई सकीना के दफन होने के बाद, लेकिन उम्मे कुलसूम का आंसू नहीं रुक रहा। सबको दिलासा तो ज़ैनबी को देना है ना। ये बहना, रौनक अंजुमन चली गई, आंसू हमको बहाना मुकद्दर है मारा बीबी, लेकिन ये ज़ैनब की बहन उम्मे कुलसूम तुम तो साबरा हो, तुमने तो बहुत सारे मनाजिर देखे हैं बहना। रसूल खुदा की मजलूमियत तुमने देखी, बाबा की मजलूमियत तुमने देखी, अम्मा की मजलूमियत तुमने देखी, भैया हसन के जिगर के 72 टुकड़े तुमने देखे, हुसैन को पामाल होते हुए तुमने देखा, करबला से शाम तक की मुसीबत तुमने, आज क्या हो गया बहन कि तुम्हारे आंसू नहीं रुकते हैं? सर झुका के, सर झुका के उम्मे कुलसूम कहती हैं, बहना वो मुसीबत है सकीना की जो मुझे रुकने नहीं देती। क्या हुआ बहन? ए बहना, सोने से पहले जिसके बाद उठ के बच्ची चीख मार के रोती रही, दुनिया से गुजर गई, उससे पहले बेटी मेरे पास आई, कहा भूखी अम्मा सकीना बड़ी भूखी है। मैंने कहा बेटी तुम तो जानती हो जो खाना आया आता है वो तकसीम हो चुका, अब नहीं है। चली गई बच्ची अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद आती है, कहती है भूखी अम्मा मुझे प्यास बहुत लग रही है, अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी दे दीजिए। मैंने कहा बेटा अरे तुमको मालूम है पानी कितना आता है? ए बहना मेरा दर्द है, मेरी सगीना भूखी चली गई, मेरी सगीना प्यासी चली गई। अरे ये मजलूम फूफी अपनी बच्ची को एक कतरा पानी ना दे सकी। चादरें निकली, उम्मे कुलसूम तुम्हारी चादर, उम्मे फरवा तुम्हारी चादर, माँ की कनीज फिजा तुम्हारी चादर, चादरों के दरमियान से नन्ही सी चादर निकली, रुख किया जिंदाने शाम का। बेटी
हमें रिहाई मिल चुकी सकीना, सकीना तुम कहती थी ना कि वतन कब जाएंगे, चलो बेटी वतन चले। ए सकीना तुम बार बार पूछती थी बूढ़ी अम्मा कोई टुकड़ा है तो दे दीजिए ताकि सर छुपाएं। ए बेटी चादर आ गई है सकीना, अरे ये कहकर जो कब्रे सकीना पर चादर डाली शायद कब्रे सकीना लरसने लगी। बूढ़ी अम्मा अरे मैं जो करबला से चली थी मेरा बाबा बेगोरों का बंदा, ए बूढ़ी अम्मा अरे ये चादर मेरे बाबा के जगह आधार पर। लो जैनब चली, दुआ कर लो आधारो हुसैन का ताबूत निकलेगा। तसव्वुर में देखना तीरों से जख्मी है हुसैन। ए मेरे अल्लाह 22 सफरुल मुजफ्फर का वास्ता जब जैनब करबला से मदीने के लिए रवाना हो रही थी उन सैदानियों के तड़प तड़प के रोने का वास्ता, जब कभी हुसैन की कब्रे अथर पर कभी अब्बास की कब्रे अथर पर कभी गंजे शहीदा में कभी टीले पर कभी मख्तल में जा जाके सैदानियों के रोने का वास्ता, इमाम ज़माना के दुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के दुहूर में ताजील फरमा, हम गुनाहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा, इस मजलिस अदा को ज़ुहूर के ज़माने से मुत्तसिल फरमा। लोग काफला करबला में वारिद हुआ, ज़ैनुल अबा जाबिर से मुलाकात करते हैं। एक बार ज़ैनब कुबरा ने महमिल का पर्दा उठा के देखा, अब जो महमिल का पर्दा उठा के देखा तो करबला दिखाई दी। जैसे ही करबला दिखाई दी ज़ैनब कुबरा ने खुद को ऊंट की पुल से जमीन पर गिराया, कोहनियों का सहारा लेते हुए अली की बेटी पहुंची, भैया हुसैन भैया हुसैन ज़ैनब आ गई भैया। ए भैया ए भैया 11वीं को जब मैं जा रही थी तो तुम्हारे जिस्म अथर का ऐसा हाल था कि बहन तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। भैया माफ करना ज़ैनब तुमको कभी फरामोश नहीं कर सकती, इसलिए ज़ैनब ने तुमको इतना तुमको टुकड़े टुकड़े किया गया था कि बहन तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। अंत अखी वबन उम्मी, क्या तुम ही मेरे भाई हो, क्या तुम ही मेरे ना जाए। लेकिन ए भैया अरे अब जो ज़ैनब आई है तो भैया तुम भी ज़ैनब को नहीं पहचान पाओगे, अरे बाल सफेद हो चुके हैं कमर कमीना हो चुकी है। माजी की याद में ज़ैनब कुबरा चली गई। अच्छा यहीं पर मेरा कासिम शहीद हुआ था, हुसैन तवील जिस्म को लेके आए थे। अच्छा यही वो जगह है जहाँ पर अली अकबर को बर्छी लगी थी। अच्छा यही वो जगह है जहाँ पर मैं दौड़ती हुई आई थी। अच्छा यही वो जगह है जहाँ अब्बास के बाजू कलम हुए थे। अच्छा यही वो जगह है यही वो जगह है यही वो जगह है जहाँ अली अकबर को तीर से। ज़ैनब माजी की यादों में क़यामत का मंज़र है, यकायक ज़ैनब कुबरा का ज़हनो शऊर टीले तक पहुँचा, माजी के दुदलके में ज़ैनब गई, एक आवाज़ गूंजी जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया बा मुहम्मदा, इस वक्त कौन हक करे वाकत करे अदा। अरे 1900 हजार तने चाक चाक पर ज़ैनब निकाल हुसैन तड़पता खाक पर। पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सर लर्दा कदम खमीदा कमर गर्दे पहुंची कर चारों तरफ बांधती थी सर को पीट कर, एक कर बला बता तेरा मेहमान है किधर। अम्मा 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 कदम उड़ते नहीं किसने काम के पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। ज़ैनब को याद आया यही वो टीला था जहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, मैंने देखा था कि शिमर का कुंड खंजर है और हुसैन है। सुनने का आप सुनने की ताब रखते हैं, इब्ने पिसरे साथ रो रहा था ना, आयतिल्ला जवाबी आप अगर सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। आयतिल्ला जवाबी आमनी कहते हैं कि क्यों रो रहा था
कैसा ऐसा मालूम है मनाओ, हुसैन को जो टीले से शोभा लगा था तो तीन तीन किस्म का होता है। एक मामूली तीर होता है जो सीधा जाता है तो उसका ऐसे निकालना आसान होता है। एक तीन भाल का तीर होता है वो भी जाता है तो जिधर से गया है उसका पिछला हिस्सा पकड़ के निकालना आसान होता है। लेकिन जब तीरे से शोभा हो और उसकी नोक मुड़ी हुई हो, तीरे से शोभा हो और उसकी नोक मुड़ी हुई हो और उसमें जहर पैवस हो, हुसैन के जो सीने पर तीर लगा था वो ऐसा तीरे से शोभा था कि जिसकी नोक मुड़ी हुई थी, अरे पिसरे साथ में जो देखा मालूम रोने लगा, कहने लगा अब हुसैन तीर कैसे निकाले, झुके हुसैन, अरे पीछे से जो तीर निकाला भाई सैयद आगा लाल जमीन पर ज़ैनब ये मंजर। भैया हुसैन कोई जवाब नहीं आया, भैया हुसैन कोई जवाब नहीं आया। एक बार रुख किया, या जद्दा सल्ला अलैक मलिक उस्सहा व हादल हुसैन मुरम्मल बिदवा। नाना नाना आप पर तो आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी, नाना आपका हुसैन खून में आविष्टा है। कोई जवाब न मिला, कोई जवाब न मिला। रुख किया, रुख किया अम्मा की कब्र की तरफ। ए चक्कियाँ पीस पीस के पालने वाली अम्मा, आज तुम्हारा बेटा निर्भय आदा में गिरफ्तार है। अम्मा अम्मा जवाब दे दो, अम्मा मेरे भैया को बचा लो अम्मा। कोई जवाब नहीं। साहिब रियाज़ुल कुश और रईसुल वाइज़ीन इस रवायत के जिम्मेदार हैं, कहते हैं तीसरी बार रुख किया अलिया मुर्तहा। हल्ला ने मुश्किलात अली, लोगों की मुश्किलों में काम आने वाले बाबा, आज तेरी बेटी मुश्किल में गिरफ्तार है बाबा। कोई जवाब न मिले, जू लगा बाबा बाबा अगर मेरा अब्बास जिंदा होता तो मैं आपको नहीं पुकारती, बाबा मेरा अब्बास अपनी बहन को छोड़ के। कोई जवाब न मिला, रुख किया मख्तल की तरह। भैया हुसैन कोई जवाब न मिला, भैया हुसैन कोई जवाब न मिला। ज़ैनब को मालूम था हुसैन कैसे जवाब देते। एक बार दिल संभाल के दर भरे अंदाज में कहा, ज़ैनब भैया भैया तुम में अम्मा के हक का वास्ता, एक बार जवाब दे दो। मैं जैसे ही अम्मा का वास्ता दिया वैसे ही हुसैन ने गोलियों का सहारा लिया।